दोस्तों, सरकार बदलती है, प्रधान बदलते हैं, लेकिन विकास वही का वही रह जाता है। चुनाव आने पर हर तरह के नेता, प्रधान हो या सरकार हो, वो विकास का ही नारा देते हैं, लेकिन वो चुनाव तक ही सीमित रह जाता है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है नरेला विधानसभा के संजय कॉलोनी के रहने वाले लोगों का। जैसा कि आपको पता ही है कि अगले महीने दिल्ली में MCD चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेला विधानसभा की आम जनता MCD के कार्य से दुखी हो चुकी है। संजय कॉलोनी में जगह जगह सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, नालियां टूटी हुई हैं, नालियों का सारा गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में आ चुका है, जिससे यहाँ की आम जनता काफी परेशान है। अपनी इन्हीं समस्या से जूझते हुए नरेला विधानसभा के संजय कॉलोनी के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ जी सर, अपना नाम बताओ। भूषण। अच्छा जी, क्या समस्या आपकी यहाँ? मेरे घर के सामने में कम से कम 2 महीने से सीवर का ढक्कन खुला हुआ था। अच्छा अच्छा। कोई लगाने नहीं आया। हाँ, फिर कोई ढक्कन लेके आया तो ढक्कन ये बड़ा था, फिर मैंने यहाँ से दूसरी जगह से ढक्कन चेंज करके वहाँ से लाया, यहाँ फिर लगवाया और दूसरा जो है वहाँ पे लगवाया, तो खुद लगवाया। कोई नहीं कार्रवाई हुई? कोई नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इसके बारे में MCD को शिकायत दी? शिकायत दिया हुआ है, दिया हुआ शिकायत। हाँ, 10 बार है। तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताऊ क्या समस्या आप भाई? बात सुन ले, हमने तो 20 साल हो गए बैठे, गाल ना कदे भी सूखी रहती। अच्छा, कदे ना सूखी? कोई नहीं आता सफाई कराना, ना झाड़ू वाला था। बारिश के समय क्या हाल होता है? बारिश के समय तो भाई भीतर भी बढ़ जा, भीतर बढ़ जा पानी, और कती गंद खाना भीतर बढ़ सके। तो यहाँ के सीवर भी बंद है? सारे सीवर बंद हैं, इतने किराएदार छोड़ रखे, अरे पोटी भर जा बारिश आगे आ जा, क्या करें, हम तो दुखी हो गए बेटा। कोई नाम था आम है, अपने BDP का भाज है, हाथ लागन है, खोलते भी कोई ना, क्या करें, सफाई कर्मचारी भी नहीं आता, कोई ना आता, झाड़ू वाला नहीं आता, देख ले बूढ़ी लोग आई उड़े रूढ़े था सामने, झाड़ू वाला भी क्या करें, ना आता कोई नहीं आता, कोई आता तो कहाँ आता है कोई पता नहीं, ना कोई ना आता, बताओ पता तो लग गए, कोई आता होता है इगले में, ना आता कोई भी पढ़ाई दो, कब से जब से लग गया है। अच्छा, तो इसमें पानी वानी नहीं आता है सीवर में? पानी आवे है, फिर निकल भी जावे, भर भी जावे है, पीछे से आता है, नहीं बोलो कोई पड़े है। हाँ मतलब यहाँ से तो भर गया ना, तो बगैर चलाए खाली हो गया, ये चलता तो है ही नहीं ये। हाँ बिल्कुल, लाइन सारी डेड पड़ी है। बताओ बताओ बताओ, आप बता दो। ये पूरी की पूरी ये जनरेटर लगा रखा है, इसका लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है कॉलोनी वालों को। पूरी कॉलोनी के जो ये जल बोर्ड ने ये लाइन डाल रखी है, पूरी लाइन डैमेज पड़ी है। अभी ये लाइन नई डली है, इसमें ना कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, पब्लिक ने इसमें अपनी कार्रवाई शिवर की पूरी कंप्लीट हुई भी नहीं, उससे पहले पूरी लाइन डेड पड़ी है। डेड पड़ी है? हाँ। सीवर किस कारण जाम है? ये कहीं इन्होंने जैसे सीवर डाले थे उन्होंने कहीं से रोक रखी थी, ये कहीं इन्होंने कट्टे फंसा रखे थे, तो वो अभी निकाले नहीं, और डिपार्टमेंट में कॉलोनी वालों ने कंप्लेंट भी कर लिया, उनके पास जा लिया, कराएंगे अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी वो यही आया था इनका, वे 2-1 अफसर बुलाए थे, वो बोलते हैं कि पूरी लाइन है ना ये मिट्टी से भरी हुई है, हम साफ कराएंगे। अब वो उस बातों को भी 1 महीना हो गया, अभी कोई कार्रवाई कॉलोनी में नहीं हो रही, हर दिन कॉलोनी में पानी भरा रहता है पूरी कॉलोनी में। अब ये जनरेटर लगाया है, जब पब्लिक परेशान थी, जब इसके ये लगाया नहीं, और अब इसका कोई मीनिंग नहीं। महीने से ऊपर हो गया? हाँ, महीने से ऊपर हो गया, महीने से ऊपर हो गया जनरेटर को लगाया। ये पानी भी ना उठाती? क्यों? किसके बाप के पानी उठाओगे? जनरेटर चला या मोटर पानी नहीं उठा रही इसका? बोलो बोलो बताओ, समझा? पानी भी नहीं उठा रही, चला के देखिए, ये नहीं पानी उठा रही है। कितने दिन हो गए? 1 महीना के से भी ऊपर हो गया, 1 महीने से भी ऊपर हो गया इसको। 1 महीने
लगाए कहीं से पानी आवा जब तो ये उठा होगा भाई, कहीं से पानी आओगा जब फ्योर पीछे ब्लॉक है पूरे पीछे चलते रहे, जब पानी आओगे जब तो कुछ उठा हो यो, ये ऐसे लगा के छोड़ रखा है, लगा के छोड़ रखा है बस। हाँ। पानी नहीं आता बस बस देख लो ना पानी। देख लो एक बार फोटो खींच लो, देख लो भाई अब ये पूरी कॉलोनी का देख लो क्या हाल हो रहा है, पीछे से ब्लॉकिंग है सीवर, यहाँ पे पानी आता नहीं। हाँ जी सर, ना कितनी भरी हुई है, दो दो महीने हो गए साफ नहीं होती है, साफ कर देते हैं कूड़ा नहीं उठते फिर इसका। एमसीडी इलेक्शन आने है, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपकी गलियां साफ करवा दी, करवाते कुछ ना करवाते, अब देख लो ना आपके सामने ये दो है। कल भी हमने एक लड़का बुला के ना जब सफाई करवाई जब दुकान आकर पानी भर गया यहाँ, फिर जनता ने वादे कर रखे हैं, नेताओं ने वादे कर रखे हैं, देख लो ना वादे, ये वादे देखो कोई आगे आगे देखता नहीं है, कोई देखता नहीं, नहीं, नहीं आता, ये देखिए आप खुद ही देखिए नालियों का देखिए क्या हाल है। के आगे फोन करते हैं, अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, वह साड़ियाँ भी नहीं आती, बंद है देखिए कितना बुरा हाल है। वाले नहीं आते जी यहाँ पे, देख सकते हो आप भी कितना कूड़ा इधर, कितने दिनों से ऐसा हाल है, यहाँ तो बहुत पहले से हाल है, दो तीन महीने करा था फिर कुछ नहीं, इधर ऐसे ही कुबाड़ा है, कोई सफाई वाले आते ही नहीं इधर, इधर भी पीछे कॉलोनी भी संजय कॉलोनी में सारे नाले भरे हुए है, यहाँ पे मैन नाला आए यहीं से सप्लाई होता है तो ये बंद है सारा, पर लोग कोई नहीं निकालता इधर से। कहाँ वो आदमी, अच्छा कहाँ गए हुए हैं वो आदमी, कहते अगलोरी छोड़ दिए, लोरी बदमाश है वो, पैसा लेकर करवाते हैं इस काम को, या अब आपके सामने ये दो, कितने दिन हो गए कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, जिसकी ड्यूटी सफाई कर्मचारियों की, समझे कोई सुनवाई नहीं है। 65,000 महीने तो आपको क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आनी चाहिए, एमसीडी में कौन सी सरकार अच्छी लगे, सरकार जो काम करवाए तो अब तक किसने काम करवाया, बीजेपी अभी एमसीडी में हैगी सरकार, देखो हमारे आगे तो होया नहीं है, तो फिर आपका वोट कहाँ जाएगा, नोटों पे वोट दोगे नहीं दोगे, फिर वोट हम किसी को तो मर्जी की बात दे ना दे, तो वोट तो उसी, वोट तो उसी को दिया जाता है जो काम करे, काम करवाएगा उसी को देंगे ना वोट, आपका तो काम ही नहीं हो रहा। एक बात बताओ, जिसकी मतलब सरकार है या कुछ भी है, अब हम कैसे वोट दे देंगे उनको, हम तो गंद में पड़े हैं यहाँ, बताओ ना गंद होता आपके सामने है ये, देखो आप। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।